दोस्तों सबसे पहले तो आप थंबनेल की क्वालिटी देखो। इसी तरह का HDR थंबनेल आज आपको मैं पिक्सआर्ट में बनाना सिखाऊंगा, तो बस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले तो यहाँ से हमको टूल्स पर आ जाना है, फिर क्रॉप पर आना है और 16:9 पर जिस तरीके से मैं स्क्रीनशॉट को कट कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको कट करना है कुछ स्टेप्स इतने साइज़ में। देन हमारा इतना हो चुका है, तो अभी हमको क्या करना है, हमको एपेक्स पर आ जाना है और फिर अब यहाँ से BNW पर आने वाला जो फर्स्ट नंबर पर BNW इफेक्ट उसको अप्लाई कर लेना और इसको डन कर देना है। देन अभी यहाँ से हमको जाना है स्टीकर पर, तो यहाँ से हम स्टीकर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से स्टिकर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम सर्च करेंगे बिगनेट इफेक्ट। तो बिगनेट इफेक्ट सर्च करने के बाद यहाँ से जो 5 नंबर पर आया उसको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से अपने पूरे थंबनेल पर इस तरह से इसको अप्लाई कर लेना है और इसको राइट पर क्लिक कर देना है। देन अभी यहाँ से फिर से हमको जाना है ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड पर जाने के बाद जिस कलर का आपको थंबनेल रखना है उस कलर कर लेना है। तो यहाँ से हम ऑरेंज कलर ले लेते हैं और इसको यहाँ से ऐड कर लेंगे। देन अभी क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉप पर आ जाएंगे, फिर 16:9 पर और इसको डन कर देंगे और इसको पूरे स्क्रीन पर इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। फिर यहाँ से जाएंगे इसके ब्लेंड पर और इसको यहाँ से कर लेंगे हम यहाँ से ओवरले। तो यहाँ से इसको ओवरले हमने कर लिया तो इसको यहाँ से डन कर देंगे। देन अब क्या करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे एपेक्स पर। एपेक्स जाने के बाद यहाँ से हम ब्लर पर जाएंगे और लास्ट में मोशन ब्लर है उस पर क्लिक करेंगे और इस पर टैप करने के बाद इसकी डिस्टेंस को फुल और फेड को 0 कर देंगे, फिर इसको भी डन कर देंगे। देन हमारा इतना हो चुका है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से टूल्स पर आ जाएंगे, फिर एडजस्ट पर और इसके कॉन्ट्रास्ट पर आने के बाद कॉन्ट्रास्ट को हम फुल कर देंगे और क्लैरिटी को हम फुल कर देंगे, जिससे आप देख सकते हैं हमारे थंबनेल पर कुछ इस तरह की अच्छी सी क्लैरिटी आ चुकी है, HDR लुक हमारे थंबनेल पर आ चुका है। तो अभी यहाँ से हम इसको डन कर देंगे। देन अभी हमारी बारी टेक्स्ट की, तो यहाँ से हम टेक्स्ट पे जाने के बाद अपना जो भी टेक्स्ट है वहाँ से हम लिख लेंगे। तो टेक्स्ट लिखने के बाद फॉन्ट हम यही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, इसके कलर पर जाएंगे और कलर पर जाने के बाद क्या करना है वो अभी बताऊँगा। तो इसके कलर पर चलते फिर टेक्स्चर पर जाएंगे और फिर यहाँ से ऐड फोटो वाले बटन पर क्लिक करने के बाद एक वाइट कलर का ग्रेडियंट टेक्स्चर वो इसमें दे देंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले इसके स्ट्रोक पर क्लेंगे, स्ट्रोक का साइज अभी 20 रहने देंगे, बाद हम चेंज कर लेंगे। तो अभी फिर क्या करेंगे, इसे शेडो पर आएंगे, सेकंड वाले को फुल कर देंगे, फर्स्ट वाले को 1 कर देंगे और पोजीशन पर आने के बाद सेकंड वाले को 100 और फर्स्ट वाले को यही रहने देंगे। और फिर से अब इसको सेट कर लेंगे और अपने सेकंड टेक्स्ट को अभी यहाँ से हम लिख लेंगे। तो ये टेक्स्ट भी यहाँ से मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसके कलर पर जाएंगे, फिर ग्रेडियंट पर। तो ब्लैक कलर पर जाने के बाद ब्लैक कलर को यहाँ से हम रखेंगे ऑरेंज कलर और वाइट कलर को रखेंगे येलो कलर, कुछ इस तरह से। देन इसको यहाँ से डन कर देंगे। फिर इसके स्ट्रोक पर जाने के बाद स्ट्रोक का साइज यही रहने देंगे। शेडोज़ पर जाने के बाद सेकंड वाले फुल, फर्स्ट को बंद कर देंगे। पोजीशन पर आने के बाद सेकंड वाले को यहाँ से 100 कर देंगे, कुछ इस टाइप से। और इसको भी यहाँ से अच्छे से सेट कर लेंगे। देन अभी क्या करेंगे, यहाँ से ऐड फोटो पर जाएंगे बैक और ये बार पार्टिकल इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको ऐड कर लेना और इसको मूव डाउन कर देना। फिर इसके ब्लेंडिंग पर जाना है और इसको कर लेना स्क्रीन। देन एडजस्ट पर आने के बाद इसकी क्लैरिटी पर आना है, क्लैरिटी को यहाँ से फुल कर देना है और इसको डन कर देना है। देन अभी यहाँ से हमको साइड में टैप कर देना है। काफ़ी बंदे क्या करते हैं, इसको डन कर लेते हैं जिससे हमारा मूव डाउन बटन काम नहीं करता। तो यहाँ से हमें उसके साइड में टैप करना है, इसको यहाँ से डन नहीं करना है, यहाँ से राइट पर क्लिक नहीं करना, जिससे हमारा मूव डाउन बटन वर्क नहीं करेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड फोटो पर आ जाएंगे। बैकग्राउंड में जाने के बाद ब्लैक कलर का बैकग्राउंड में यहाँ से ऐड कर लेंगे और इसको ऐड करने के पहले इसको यहाँ से सही शेप में इसको हम क्रॉप कर लेंगे। तो क्रॉप पर जाने के बाद इसको पहले यहाँ से सही से हम कट कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे और फिर यहाँ से राइट पर हम क्लिक कर देंगे। देन अभी इसको यहाँ से पूरे टेक्स्ट पर यहाँ से इस तरह से सेट करने के बाद इसको मूव डाउन कर देंगे और इसको टेक्स्ट के नीचे से कुछ इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है। देन अभी क्या करना है, आपकी बार हमको टेक्स्ट पर टैप करना और इसके स्ट्रोक पर आ जाना है और अब इस स्ट्रोक का साइज हमको कर लेना है 70। तो 70 करीब कर लेना, सेम हमको नीचे वाले में करीबन 70 के करीब स्ट्रोक रख लेना है। तो इतना करने के बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो तो रेडी हो चुका है। तो अभी हमारा फाइनल वर्क है अपने कैरेक्टर का, तो यहाँ से हमको ऐड फोटो पर जाना है और अपने कैरेक्टर का PNG हमको ऐड कर लेना है। तो ये भी हमने ऐड कर लिया, तो अभी इसको यहाँ से हम अच्छे से पहले सेट कर लेंगे अपने थंबनेल पर। तो इसको अच्छे से सेट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम आ जाएंगे इसकी शेडो पर। तो शेडो पर यहाँ से हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब क्या करेंगे, इसको सेकंड वाले को फुल कर देंगे, फर्स्ट वाले को 70 रहने देंगे और पोजीशन पर आने के बाद दोनों को 100 कर लेंगे और कलर को यहाँ से हम रखेंगे येलो कलर। फिर इसको यहाँ से राइट पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे इसकी बॉर्डर पर और बॉर्डर पर आने के बाद इसका साइज़ यहाँ से हमको रख लेना है लगभग 10 के करीब और फिर इसकी और इसके भी कलर को हमको येलो रख लेना है सेम कुछ इस तरह से। देन अभी इसकी एडजस्टमेंट पर हम आ जाएंगे और जो भी इसका कॉन्ट्रास्ट है उसको थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली और क्लैरिटी को भी अपने अकॉर्डिंगली आप इंक्रीज कर लेना। देन थोड़ी बहुत एडजस्ट वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, अपने कैरेक्टर से मैचिंग कर लेना कुछ इस टाइप से। तो इतना करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा जो थंबनेल है फाइनली बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों यार थंबनेल आपको कैसा लगा कमेंट बता देना, पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब भी कर लेना। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।